मैं भूतों की कहानियों से बहुत डरता हूँ। मतलब मैं एकदम ही फट्टू इंसान हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब मैं दरवाजा खोलता हूँ अपनी स्टडी का रात के टाइम, तो मेरा जो आई कांटेक्ट होता है वो यहाँ का होता है, अज्यूमिंग कि चेक कर रहा हूँ कि कोई ऐसा है तो नहीं, विच इज वियर्ड। और मुझे आपको ये बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज रात जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो फिर मैं देखूंगा और मुझे लम्हा याद आएगा, फिर मैं कहीं कल्पना ना करने लग जाऊं। तो मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली आपको ये बता के। वही वो कहते हैं कि हर इंसान के पास एक कहानी होती है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसके पास हर इंसान की कहानी है। इफ एवरीवन हैज अ स्टोरी, दिस मैन हैज अ स्टोरी ऑन एवरीबॉडी। नीलेश मिश्रा इज आउट विथ येट अनदर ब्रांड न्यू सीरीज। दिस टाइम इट्स अबाउट हॉरर एंड द फियर ऑफ द अननोन। इट्स कॉल्ड भूतकाल, इट्स आउट ऑडिबल। नीलेश भाई, पीछे मुड़कर देखें, लेट 70s 78 में शायद आप और आपका परिवार नैनीताल गए, जब आपके पापा ने एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब लिया 10 महीने का। तो कुछ साल आपने वहां पर बिताए, आप वहां पर पढ़े बोर्डिंग स्कूल में। तो अगर हम टाइम मशीन पर बैठकर उस जमाने को याद करें, तो क्या तब कहानीकार का बीज बोया गया था आपके अंदर? जो कहानीकार है उसका बीज तब बोया गया था? मुझे लगता है बहुत से जो एक्सपीरियंसेस थे, छोटे इमोशंस थे, मोमेंट्स मैं जमा कर रहा था नैनीताल में। लेक के किनारे मैं रोज जाता था टहलने के लिए, और वहां पर बीच में तल्लीताल और मल्लीताल लेक के दो सिरे हैं, और उसके बीच में लाइब्रेरी है, पुरानी लकड़ी की बनी लाइब्रेरी, और वहां एक पत्थर की बेंच है, और उस बेंच पे मैं अक्सर बैठता था और ऐसे गीत लिखता था जो लड़कियों को प्रभावित करने के लिए होते थे, क्योंकि वो सबसे सस्ता और आसान तोहफा होता है जो आप किसी के बर्थडे पे दे सकते थे दोस्तों के। और वो मोमेंट्स आई थिंक मैंने बहुत जमा किए हैं। वो छोटे छोटे मोमेंट्स मेरी कहानियों में बहुत वक्त तक आए, और उनकी उनकी इम्पोर्टेंस भी समझी। उन मोमेंट्स जो अनस्पोकन मोमेंट्स होते हैं ना हमारी जिंदगी के, रोजमर्रा की जिंदगी के, जो आते रहते हैं, उनको आपको एक जासूस की तरह स्पॉट करना पड़ता है, क्योंकि वरना वो आके चले जाते हैं। तो वो सीखा, और वही सब फिर आगे मेरा पेट्रोल बना जिससे ये गाड़ी चल रही है। मैंने कहीं पर पढ़ा या कहीं पे देखा कि आप उन दिनों शाम को 8:30 या 9 बजे रेडियो पर "अब हम न्याय करेंगे" नाम का प्रोग्राम सुना करते थे रेडियो पर। तो तब ऐसा जहन में ख्याल आया था कि यार चल हम भी एक दिन किसी दिन रेडियो पर हम भी कहानियां बोलेंगे। मैं बहुत सी चीजें करना चाहता था उन दिनों। मैं बहुत लालची हूँ, अभी भी बहुत लालची हूँ, बहुत सी चीजें करना चाहता हूँ, और आई थिंक दिस ग्रीड टू डू न्यू थिंग्स कीप्स ड्राइविंग मी। स्टोरी टेलिंग मुझे लगता है, अगर मैं पलट के देखूं तो जो जब मैं चिट्ठियां लिखता था, खासकर जब मैं लव लेटर्स लिखता था, तो मुझे कई बार ये फीडबैक आता था कि लव लेटर्स में there was a flow, it was like a story, because one paragraph led to the other, and I never thought of it that way, but ऐसा कुछ नंबर बन जाते थे इस छोटे से छोटी सी चीज से। सो आई थिंक हाँ, कहीं ना कहीं था ये, और करना चाहता था मैं, बहुत सी चीजें जो थी उनमें ये भी शामिल था। कर पाऊंगा, छोटे से शहर नैनीताल में, दुनिया से कटा हुआ एक ऐसा शहर जहाँ दिल्ली का सुबह का अखबार हमको दोपहर 3 बजे मिलता था, जो कि अर्ली एडिशन होता था। हम इतना कटे हुए थे, इतना पीछे थे, तो वहां पे रह के वहां बड़ा हो रहा एक लड़का क्या ये सब कर पाएगा, ये सब कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन इत्तफाकों का सिलसिला हुआ। दो ताल के बीच बैठकर आपने ताल जमा लिया, मतलब वो रिदम मिल गया आपको, आपकी कहानी को, आपकी जिंदगी को। आपने इस समय सेंट जोसेफ स्कूल की जर्सी पहनी है, तो उन दिनों की याद तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि दो जुड़वा भाई जब साथ हो, अच्छा तो जब दो जुड़वा भाई हो साथ में, तो आई एम श्योर दोनों ने मिलकर बड़ी खुराफाते और बड़ी कहानियां किससे रचे होंगे खुराफातों से बचने के लिए। कोइंसिडेंस है। हाँ, मैं असल में मैं और मेरा भाई शैलेश हम थोड़ा शर्मीले से थे। मैं ज्यादा वोकल हो गया था क्लास 7 में आके, क्योंकि वो भी मैं कहता हूँ ना कि जो मोमेंट्स होते हैं जिंदगी को बदलने वाले लम्हे, कब किस भेस में आ जाए आपको पता नहीं लगता, ये मैं अक्सर कहता भी और महसूस भी करता हूँ। तो
क्लास सेवन तक मैं बहुत रिजर्व शर्मीला, हम लोग के हम बोर्ड डे स्कॉलर्स थे तो बोर्डर्स हमारा खाना चुरा लेते थे इंटरवल से ठीक पहले, और एक एक था कि अपनी जगह बनाने की जो जद्दोजहद थी वो अमीर परिवारों से थे, मैं मिडिल क्लास से था, उनके पेरेंट्स बड़ी गाड़ियों में आते थे जब स्पोर्ट्स डे होता था, और अपनी जगह बनाने की का जो सिलसिला था इसमें एक दिन जो हमारे क्लास टीचर थे मिस्टर जॉर्ज अर्विन, उन्होंने बोला कि पहली बार एक डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है तो कौन कौन उसमें हिस्सा लेगा, और मैं पता नहीं किस पागलपन में मैंने हाथ उठा दिया। मुझे लगता है कि दैट वन मोमेंट यू नो रियली डिसाइडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग में आना मेरे लिए बहुत सारी और चीजें कर गया, मुझ में कॉन्फिडेंस ले आया, मैं लोगों के सामने बोलने लगा, और वो आवाज और कहानियों की जो दुनिया थी उसमें कदम रखने का लिटरली पहला कदम था जब मैं स्टेज के सामने गया, स्टेज पे गया, और एक पुराना 150 साल पुराना ऑडिटोरियम था सेंट जोसेफ्स कॉलेज का, उसकी मध्यम रोशनी में कुछ बोला, आई रिमेम्बर दैट मोमेंट। तो खुराफातें औरों की थी, हम लोगों की छोटी छोटी शैतानियां थी, और लेकिन मुझे लगता है अपनी जगह बनाने की छोटे छोटे तरीकों से, मासूम तरीकों से अपनी जगह बनाने की कोशिश थी। भूतों की कहानियों की महफिल जमती थी उन दिनों, क्योंकि अक्सर होता है जब दोस्त यार मिलते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन उसमें डर कम होता है और मजाक ज्यादा होता है। आपकी भूतों की कहानियों की महफिल कैसे हुआ करती थी अगर हुई तो? मैं भूतों की कहानियों से बहुत डरता हूँ, मतलब मैं एकदम ही फट्टू इंसान हूँ, और मैं दिन में भी भूतों की कहानियां नहीं न सुन सकता हूं न देख सकता हूं, लेकिन पहाड़ों में ऐसे किस्से बहुत होते हैं, पहाड़ों के जो सुपरनेचुरल स्टोरीज होती हैं वो मुझे लगता है बड़ी रिफाइंड होती हैं प्लेन्स की सुपरनेचुरल स्टोरीज से। मुझे तो लगता है कि पहाड़ के जो भूत होते हैं वो भी कुछ उनका कुछ उनकी अदाई अलग होती है प्लेन्स के भूतों से। प्लेन्स के भूत आके आपको एक टिटिलेशन करके डरा जाएंगे, हैं अपना ताकत दिखा जाएंगे, लेकिन पहाड़ के भूत जो किस्से हम सुनते थे एक रिश्ता बनाते थे, धीमे से आपकी जिंदगी में आते थे, कभी आते थे और कभी चले भी जाते थे, और आप हमेशा सोचते रह जाते थे कि क्या ये प्रेजेंस थी या नहीं थी, और मैं जब पहाड़ी पे चढ़ रहा हूं तो ऐसे दोस्त बताते थे कि किसी ने एक वहां पे जो नेपाल से सामान उठाने का काम करने आते थे लोग, तो कहते उनको वहां पर डोटियाल कहते थे, कुली का जो काम करते थे, तो वो कहते थे कि मेरे को एक किसी डोटियाल ने सिगरेट मांगी और मैंने पलट के देखा तो नहीं था। तो ऐसे किस्से जो थे जो बियॉन्ड पॉइंट वो एक फोकलोर बन जाते हैं, और लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे गूजबम्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस वक्त को याद कर रहा हूँ, उस चढ़ाई को याद कर रहा हूं, और तो बिल्कुल औरों के किस्से थे, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कभी थैंकफुली, लेकिन जब ये शो ऑडिबल सुनो का मैं जब मेरे पास इसकी बात शुरू हुई कि ये कुछ नया क्या कर सकते हैं, अगेन एक पागलपन का लम्हा था, मैंने उसमें कहा कि भाई चलिए हम हॉरर स्टोरीज करते हैं, पहले कभी किया नहीं है, और वो जब मैं रिकॉर्ड करता था तो बस इसी जल्दी में करता था, क्योंकि इसी कमरे में इसी स्टडी में करता था कि अंधेरा होने के पहले मैं रिकॉर्ड कर लूं, और ताकि मैं रात को भूतकाल न रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन उसका कुछ कुछ असर मुझ पे हुआ था, जब मैं बाहर निकलता था अपनी स्टडी से तो कई बार मैं कल्पना सी करता था कि सामने एक मेरे सीढ़ियां हैं, तो कई बार मैं पलट के देखता था, लगता था कि क्या कोई बैठा है वहां, क्योंकि इतनी विविड राइटिंग होती है हमारी जो मंडली के राइटर्स हैं उनकी, इतनी रिच, और कभी मैं दरवाजा खोलता था तो मुझे हमेशा ये अभी तक भी है कि लाइक विद अ ब्लैक हुड समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, और मैंने अक्सर ये देखा है कि जब मैं दरवाजा खोलता हूँ अपनी स्टडी का रात के टाइम तो मेरा जो आई कॉन्टेक्ट होता है वो यहाँ का होता है, अज्यूमिंग कि चेक कर रहा हूँ कि कोई ऐसा है तो नहीं।
विच इज वियर्ड, और मुझे आपको ये बताना नहीं चाहिए था क्योंकि आज रात जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो फिर मैं देखूंगा और मुझे लम्हा याद आएगा, फिर मैं कहीं कल्पना ना करने लग जाऊं, तो मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली आपको ये बता के। बट यस इट्स लाइक जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी 173 आवर्स इन कैप्टिविटी, वो थी हाईजैकिंग पे IC-814 की, और मैं एक दो महीने जितना उसकी रिसर्च में लगा रहा था और वो इतना घुस गया था मैं उसकी रिसर्च में कि मुझको सपने आते थे कि जो 5 हाईजैकर्स थे उनके कोड नेम्स थे। एक का कोड नेम था बर्गर, जो बहुत वार्म और सिंपैथेटिक बिहेव करता था लेकिन बहुत ही ब्रूटल था जब समय आता था उस पर। और मुझे मुझे ये सपना आता था कि बर्गर मेरे दरवाजे पे आया कि भाई हमारे बारे में बहुत लग रहे हो आजकल। तो when you immerse yourself in your writing or your craft or whatever, so because that's what we are, we imagine things and people, writer ka ya storyteller ka wahi kaam hai aur wahi kahin na kahin hunar hai, to ye tha. Are kahan ke kisse ji ji kahi maine kaha kahan ke kisse chhed diye tumne? अरे कहानियों के अलावा जीवन में रखा क्या है सर। लेकिन सर मेरे और आपके प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन में कहते हैं कि नेवर लेट द ट्रूथ कम इन द वे ऑफ अ गुड स्टोरी। यू बिल्ट अ करियर आउट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आर यू गुड लायर? हाउ गुड अ लायर आर यू? आई डोंट नीड टू लाय, बट आई थिंक इफ इट कम्स टू दैट आई कैन बी अ डैम गुड लायर। ये मैं और मेरी बेटी वैदेही जो है ये हम करते हैं। ये हुआ तो ये कैसे हुआ, लेकिन वहां हुआ था पर ये भी तो हो रहा था और इसको देखा आपने तो। बट आई थिंक somebody should test me on this. I think I will be a really good liar. I should be able to make up things well. तो घर पर स्टार स्टोरी टेलर कौन है, नीलेश मिश्रा या वैदेही मिश्रा? बहुत जबरदस्त और खूबसूरत कंपटीशन मुझको मिल रहा है आजकल उनसे, और बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों की नजर से दुनिया को देखना, उनकी इंटरप्रिटेशंस, और थोड़ा फिक्र भी देता है कि जो बड़ों की दुनिया है उसको उन बच्चों की दुनिया पर वो असॉल्ट ना कर दे, किस तरह का कंटेंट वो देख रहे हैं, क्या उनको नहीं देखना चाहिए। अगर वो YouTube के गलियारों पे इधर से उधर होते हुए एल्गोरिथम की कोई खिड़की खोल के कहीं पहुंच गए जो उनको जहां नहीं होना चाहिए, तो ये भी ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर मी। तो हम अगले कुछ हफ्तों में द स्लो ऐप ला रहे हैं, जो इसी सोच के साथ बना है कि क्या मैं अपनी बेटी को या कोई भी अपने बेटी या बच्चे को, बेटे को दे सकता है, या उसके पेरेंट्स उसको देख सकते हैं, या एक ऐसी जगह जहां साफ सुथरी दुनिया है, अच्छी एंटरटेनिंग दुनिया है। मेरा वही इतिहास रहा है, वही करियर रहा है कि क्या हम बिना कंट्रोवर्शियल, बिना टिटिलेटिंग हुए करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। हाँ पहुंच सकते हैं, और ये ग्रेसफुल और हम्बल कॉन्फिडेंस हमको दिया है हमारी ऑडियंसेस ने कि हम अपने गांव के घर पे लोगों से बातचीत करके जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है और करोड़ों लोगों तक द स्लो इंटरव्यू के रूप में जा सकते हैं। तो सॉरी मैं बात तो वैदेही की कर रहा था। तो वैदेही और ऐसे बहुत से बच्चों को स्टोरी टेलर बनाना चाहता हूं मैं। वैदेही यहीं बैठा था मैं एक दिन, खटखटा के अंदर चली आई बड़े अधिकार से और मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बोली मुझे भी करना है, तब शी वॉज ओनली 3 और I didn't know कि what she wants because मैं कर क्या रहा हूँ, तो बोले कि चलाओ। शायद कभी देखा था कि जब वो लाल आता है तब रिकॉर्डिंग, तब काम की बात वो होती है जब लाल आ रहा होता है, जब लाल नहीं है मतलब अभी रुका हुआ है। तो खैर वो कहानी उन्होंने सुनाई और मुझे बहुत अच्छा ही लगा कि कहानी में एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड था। एक मंकी था, उसको एक ब्लैक ड्रेस चाहिए थी, तो अपनी अम्मा के पास गया था, तो फिर अम्मा के साथ वो लोग शॉप पे गए और ऐसे करके, और फिर लास्ट की लाइन थी और फिर वो लोग दोनों खुश हो गए। सो इट हैड एन एंड, इट हैड क्लोजर, व्हिच अमेज्ड मी बिकॉज़
शी वॉज लाइक 3 years. फिर मैंने वो अपने हमारे इंजीनियर को भेजा और फिर ऐसे कई कहानियां बनाई तो वो यूट्यूब पे लोगों ने पसंद की. फिर मैंने कहा वाई जस्ट वेद ही लेट्स डू दिस विद अदर चिल्ड्रन. सो देन वी लॉन्च्ड चिल्ड्रन स्टोरी टेलर्स. तो हमने अब तक कई 15-16 चिल्ड्रन स्टोरी टेलर्स को लॉन्च किया है और जो ये स्लो ऐप है इसमें और बहुत से सैकड़ों बच्चों को हम लॉन्च करना चाहते हैं क्योंकि उनको हम उनसे प्यारा स्टोरी टेलर कौन हो सकता है. मैं और वो जब हम गांव में वक्त बिताते हैं तो मेरे गांव के घर का नाम स्लो है तो वहां पर उसकी अलग दुनिया है. कहीं गाय है कहीं बकरियां हैं कहीं वो मिलीपीड है जो कैटरपिलर जैसा होता है और कहीं वो मिट्टी में खेलती है लौटती है. इट्स अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड. तो जब वो मिलीपीड दिख जाता है तो फिर उनकी कहानी शुरू हो जाती है कि ये अपनी अम्मा के पास जा रहा है इधर से जाएगा इसको यहाँ पे इसको बहुत डर लगता है तो यहाँ पे मैं इसके थोड़ा साथ चल देती हूँ उन्हें इसको प्रॉब्लम होगी ये लेकिन इसको लेट हो गया है तो अम्मा के पास जाएगा इसको डांट पड़ सकती है तो मैं उनको बता के आती हूँ मैं साथ में जाऊंगी ताकि कोई इसको ना हार्म ना कर ले. तो साथ साथ मिलीपीड की रफ्तार से चलते 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 वो जहां जब तक वो गायब ना हो जाए चलती चली जाएंगी. आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ ग्रोइंग अप और एक ऐसी दुनिया जहां हम 4 से 5 साल के बच्चों को कोडिंग करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं और उनको उद्धत नहीं कर रहे हैं उनको ये नहीं बता रहे हैं कि एक कंप्यूटर या डिजिटल युग में लिपटी हुई दुनिया ही असली दुनिया है. उस दुनिया को मैं बचा के रखना चाहता हूँ. मैं और वैदे ही साथ में थोड़ी कोशिश करते हैं. और जब आप पेरेंट बन जाते हैं ना तो दुनिया को देखने का नजरिया आपका बदल जाता है. तो क्या किस युग में आपका बच्चा बड़ा हो रहा है दुनिया कैसी होगी आज से 10 साल 20 साल 30 साल बाद ये चीजें मैटर करती हैं. वो मैटर कर रही हैं चीजें और उनका थोड़े थोड़े मैं तोड़ निकालने की कोशिश करता रहता हूँ. ये कहानियों की जो दवाई है वो बांटता रहता हूँ मैं घुट्टी की तरह कि कहीं आत्मा को शांति मिले लोगों को कहीं उनका स्ट्रेस कम हो. अच्छी बातें कहें अच्छी ना कह पाए तो कोई बुरी बात तो बिल्कुल भी ना कहें स्टीरियोटाइपिंग तो बिल्कुल ना करें प्रेजुडिस तो ना फैलाएं. देखिए अब मैं ही बोलता जा रहा हूं और शो आपका है अब मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को. नहीं नहीं सर आप बोलते रहे. मैं तो सोच रहा था मन में कि अगर नीलेश मिश्रा की जिंदगी पर बायोपिक बने तो पंकज त्रिपाठी को रोल करना चाहिए क्योंकि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब पंकज त्रिपाठी नीलेश मिश्रा एक साथ आए किसी इंटरव्यू में तो इट विल बी अ टाइमलेस इंटरव्यू. मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि द स्लो इंटरव्यू का पहला एपिसोड पंकज त्रिपाठी के साथ ही है और पंकज के कारण ही शो शुरू हुआ क्योंकि जब वो आए तब शो नहीं था. तो आपके जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत ही खूबसूरत एपिसोड है 2 हिस्सों में बल्कि और मतलब बहुत ही सरल हृदय हैं वो बहुत मजा आया उनसे बात करके. आपने 2 generations की बात की बाप बेटी का जो रिश्ता है जो अलग बड़ी खूबसूरत सी जुगलबंदी है. मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या बुजुर्गों के चेहरों की झुर्रियों में बेहतर कहानियां छुपी होती है वो कहानियां कैसी होती है और बच्चों की मासूमियत में जो हजारों ख्याल बुन रहे होते हैं उनके जहन में वो कहानियां इनमें फर्क क्या होता है. सीख दोनों में है या एक में है ज्यादा एक में सिर्फ मजा है. बच्चों की कहानियों में उत्सुकता है उम्मीद है सपने हैं और बुजुर्गों की कहानियों में थोड़ा सच की मिठास भी है और कहीं कहीं खटास भी है और उन्होंने जिस तरह से दुनिया को देखा है वो पलट के देखने की जो अदा है उनकी कहानियों में वो है कि एक सफर में एक इंसान आगे जा रहा होता है वो जब पलट के देखता है उसको पता होता है कि फलाना जगह ठोकरें आएंगी और फलाना जगह फूलों की खुशबू आएगी और फलाना जगह से दूर आसमान में बर्फ के पहाड़ दिखेंगे और वो बुलाता है बच्चों को या जो साथ में आ रहे होते हैं उनको कि आओ ये देखो हमारे साथ. तो बुजुर्गों की कहानियां उस सफर के एक पड़ाव पे आकर पलट के देखने वाली अदा है वो और बच्चे वो हैं जो आसमान की तरफ देख रहे हैं कि उस पहाड़ की चोटी पे होगा क्या क्या वहां पे एक परी मिलेगी या वहां पर एक राक्षस रहता होगा या वहां पर एक फूल होगा जो किसी चिड़िया से बात करता होगा. वाओ
नीरज भाई, कहानियां जब होती हैं तो मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या लोग उस कहानी में जो पात्र है उसके नाम पर ज्यादा फोकस करते होंगे, क्योंकि कई बार उस नाम में भी एक वजन होता है, एक पर्सनालिटी होती है, वो नाम भी कई बार काफी कुछ कन्वे कर जाता है वेरी सबलिमिनली। डू यू ऑब्सेस ओवर व्हाट यू नेम योर कैरेक्टर्स और नॉट सो मच? नो, मोस्ट डेफिनेटली नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नाम कहीं ना कहीं कुछ बताते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। और लेकिन नाम स्टीरियोटाइप भी बन जाते हैं कहानियों में, फिल्मों में। अगर आपको कोई थोड़ा ऐसा हीरो का दोस्त दिखाना होता है जो थोड़ा सा फ्रिवलस है, तो वो बिट्टू बन जाता है, गुड्डू बन जाता है। वो विवेक नहीं बनेगा, वो प्रखर नहीं बनेगा। अगर कोई लड़की है जो चुलबुली सी है, तो वो पम्मी बन जाएगी, हो सकता है वो प्रियंका हो। तो ये वजन है नाम का, ये इम्पोर्टेंस है नाम की, कि नाम भी डिफाइन करते हैं कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को, और वो जरूरी है। कई बार मैं ये सवाल भी उठाता हूँ हमारी जो कहानियां होती हैं, या अगर मंडली के राइटर्स लिख के भेजते हैं उसको, कि ये कैरेक्टर इस ज्योग्राफी का या इस तबके का है, ऐसा नाम शायद यहाँ ना रखा जाए। लेकिन एक स्टीरियोटाइप भी है इसमें, कि ये मान लेना कि अगर कोई गांव का कैरेक्टर है तो वो सितलू ही रखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एस्पिरेशनल है, गांव की दुनिया भी एस्पिरेशनल है, और हमसे एक पीढ़ी पहले से एस्पिरेशनल होने लगी थी टीवी देखकर नाम बदलने लगे, अब सीरियल्स देखकर नाम बदलने लगे। तो वो है, अच्छी दुनिया है नामों की दुनिया, और बहुत कुछ कह जाती है। नीरज भाई, हर आर्टिस्ट का एक जोन होता है जब वो उसका दिमाग बेहतर काम करता है। जैसे मैंने कहीं पर सुना कि रहमान साहब से रात को म्यूजिक क्रिएट करते हैं, तो आपका ऐसा कोई जोन है जहां पर आप बेहतर समा बांध पाते हैं, खासकर जब आपको हॉरर कहानियां लिखनी हो या कोई भी कहानी? इज देयर अ जोन यू हैव, अ टाइम स्लॉट वेयर यू थिंक बेटर, मोर क्रिएटिवली, देयर इज बेटर विविड इमेजरी इन योर हेड एंड योर वर्ड्स? माय चैलेंज इज दैट एक तरफ तो ये काल्पनिक दुनिया है, और दूसरी तरफ आई एम रनिंग यू नो स्टार्टअप्स, you have to keep them going, you have to write proposals, और दूसरी तरफ ये दुनिया है। इससे पहले भी जब मैं जर्नलिज्म में फुल टाइम था, तो एक तरफ गट रेंचिंग रियलिटीज थी, कभी मैं कश्मीर कवर कर रहा था, कभी छत्तीसगढ़ या झारखंड कवर कर रहा था, और साथ में लव सॉन्ग्स लिख रहा था या कोई कहानी सोच रहा था। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पूरे करियर में ये दोहरा जीवन जिया है, सच्चाई और कल्पना के बीच का, और ये मुझे एक अच्छी जमीन देता है। मैं चूंकि मैंने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी और बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, मुझमें बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझमें अनुभव बहुत है, और वो अनुभव जगह जगह जाने, आई फील आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, आई एम अ वेरी गुड लिसनर, मैं चुपचाप शांति से सुन सकता हूँ लोगों को, तो वहां से आया है। और फिर वो जो दुनिया मिलती है ऑफ द रियलिटी एंड व्हाट कुड बी, व्हाट इफ है, वो सवाल बड़ा खुराफाती होता है किसी भी राइटर या क्रिएटिव पर्सन के लिए, कि कहीं आप जो बैठे हैं और आपके बगल में एक भूत भी बैठा हो इसी वक्त, तो व्हाट इफ, और धीरे से आपकी जो कमीज है उसके पीछे से उसका हाथ आ रहा हो, क्या होगा वो, उसके हाथ की झुर्रियां क्या कह रही होंगी, किस उम्र का होगा वो भूत, बताइए। आपके लफ्जों के बीच में जो पॉजेज है ना, उसमें उतना ही दम है जितना आपके लफ्जों में। तो खैर, मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं पूछने को। लेट्स कम बैक टू भूतकाल, बिकॉज इट फोकसेस ऑन सुपरनैचुरल एंड हॉरर स्टोरीज एंड फोकस ऑन फियर्स। Tell me about your fears and how your fears have evolved over the years. I know it sounds vain, but when I was growing up, my biggest fear was
to remain an ordinary person. And it's, these are just words that I gave, but what it meant actually was ki main ye sari cheezein jo karna chahta hu ye nahi kar paunga. Main likh na paun, main aisa na ho ki mujhe ek naukri karni pade ya IAS ka exam dun aur IAS ban jaun. Aur wo bhi fear tha mera ki फिर कैद हो जाऊं एक ऐसी जिंदगी में जहां मैं बिलोंग नहीं करता हूं. तो वो फियर था डेफिनेटली. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सुपरनैचुरल से तो बहुत ज्यादा डरता हूं. और अच्छा, मेरी जो बेटी है वो भी कहती है बाथरूम में जाना है आप लाइट ऑन कर दो. तो मैं सोचता हूँ यार कि यार इसको किसी वक्त पे किसी ने आसपास कह दिया होगा कि वहां अंधेरा है और अंधेरा उसके लिए एक डर का स्रोत बन गया, डर का कारण बन गया. पता नहीं कब बैठ जाते हैं ऐसी चीजें हमारे मन में, दिमाग में. फियर फियर तो नहीं है बट अब मैं जरूर सोचता हूं कि एक ऐसा, देखिए हर आर्टिस्ट की एक मियाद होती है, एक शेल्फ लाइफ, एक एक्सपायरी डेट होती है. और मैंने जब से कहानियां सुनाना शुरू किया अब लगभग 10 साल हो गए. अभी भी कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जो कहानियां मुझसे सुनना चाहते हैं, ये मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए. लेकिन ये डर है बिल्कुल कि अगर कभी ये बंद कर दिया तो क्या करूंगा. फिर लगता नहीं तो लिख लूंगा, लिख नहीं पाया तो क्या करूंगा. तो मुझे लगता है कि वो एक एक भूख है, एक एक चाहत है कि नई चीजें करते रह पाऊं हमेशा. ये जो लिबरेशन, जो फीडिंग, फीलिंग ऑफ फ्रीडम है अभी मेरे पास कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी है कि चलो कल हम गोमती के किनारे जाके शूट करेंगे, अब मुझे अप्रूवल नहीं लेना है किसी से. तो ये ताकत ना चली जाए, मैं दूसरों की बनाई शर्तों पे जीवन न जीने लगूं. शायद ये डर है क्योंकि 10 साल से इतने सारे रिस्क लिए, पागलपन किया है, तो इस फ्रीडम की आदत हो गई है. हर आर्टिस्ट का अपना एक रियाज होता है. सिंगर है तो हारमोनियम लेके या सितार लेके रियाज होता है. एथलीट है तो नेट प्रैक्टिस करेगा, जिम में जाएगा. एक स्टोरी राइटर का क्या रियाज होता है? राइटर का रियाज होता है दुनिया को ऑब्जर्व करना. और मुझे लगता है कि अगर मुझे ये फुर्सत मिले कि मैं जाकर बस बाजार में बैठ सकूं चुपचाप एक लैपटॉप लेके, तो मैं कमाल की कहानियां लिख सकता हूं और कमाल की स्टोरी टेलिंग भी और कर पाऊंगा क्योंकि मैं सुन रहा हूंगा लोगों के लहजे, लोगों का तरीका, लोगों के इमोशंस. तो आई थिंक ऑब्जर्वेशन और एक ह्यूमिलिटी से भरा हुआ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है. वो बड़ा रियाज है. मेरे लिए रियाज ये है कि मैं, मुझ में एम्पथी सचमुच में है. मैं कुल मिला के भला इंसान हूं. और मुझे लगता है कि एक अच्छा कलाकार होने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है क्योंकि आप अगर तकलीफ को महसूस ना कर पाए तो आप उसको शायद जाहिर नहीं कर पाए. बहुत बड़े लेवल के कलाकार जरूर करते होंगे, बिना महसूस किए उसे जाहिर करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारी कहानियों में मैं कुछ महसूस करता हूँ तो वो मेरी आवाज में आता है, मैं जिस तरह से उसको इमोट कर रहा हूँ उसमें आता है. तो महसूस करना मेरा रियाज है. एम्पथी इज माई रिहर्सल. एंड द वर्स्ट आई कैन डू टू अ पर्सन is not feel anything for them. It's not me hating them. It's just to wo, and maybe that's the worst that anything can do, anybody can do to a person. To wo hai bas dhyan se sunna, dhyan se dekhna, kahin kuch observe karna aur wo ho jata hai. Ye mujhe lag raha hai jitne, ye to main koi nayi baat nahi keh raha hu, jitne actors aur writers hain unka yahi hathiyar hota hai. Wo kabhi koi batate hain, kabhi main बता दिया, वो नहीं बताते होंगे भाई उसको. मैं कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज देख रहा था, द क्वींस गैम्बिट, व्हिच इज ऑफ कोर्स अबाउट चेस. तो उसमें एक सीक्वेंस है व्हिच इज अबाउट रैपिड चेस.
तो पता नहीं कहां से दिमाग में ख्याल आया कि कैन स्टोरी टेलिंग ऑल्सो वर्क लाइक रैपिड चेस, कैन नीलेश मिश्रा राइट अ स्टोरी इन 10 मिनट्स, क्योंकि आपकी कहानियों में इत्मीनान तो है, आपके लिखने तक के तरीके में भी इत्मीनान है, या फिर फटाफट फटाफट लिख लेते हो? सर मैं न्यूज एजेंसी का जर्नलिस्ट रहा हूँ, एसोसिएटेड प्रेस जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, और हम लोग एक एक मिनट 30-30 सेकंड पे अपनी जो राइवल एजेंसीज थी रॉयटर्स और एएफपी उनको बीट करते थे. सो आई नो अ बिट अबाउट स्पीड. आई थिंक यस यस देयर कैन बी रैपिड स्टोरी टेलिंग. मुझे उस रैपिड दुनिया ने जिससे मैं आया हूँ मुझे उसने डिसिप्लिन सिखाया है, और अधिकांशतः डेडलाइन में काम करना सिखाया था. आजकल मैं बहुत पिछले कुछ सालों से राजा आदमी हो गया हूँ, तो मेरे जो बाकी टीम के साथी हैं भागते रहते हैं कि जी ये करना था आपको, वो करना था, वो करना था. मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ, ये सब मैं करता रहता हूँ. बट जरूरत पड़ने पर मैं बहुत तेजी से काम कर सकता हूँ, और रैपिड में भी स्लो रह सकता हूँ. खेलेंगे फिर भी अपनी पिच पे, T20 में भी सीधे बल्ले से रन बन सकते हैं मतलब. जब मैंने पहली बार आपको रेडियो पे सुना था तो आपने कई बार जिक्र किया मेरे मंडली के सदस्य, मेरे मंडली के ये, तो मैं सोचता था कि ये मंडली जो बोल रहे हैं ये फिक्टिशियस एंटिटी है, इज इट अ ग्रुप ऑफ पीपल और इज नीलेश मिश्रा मंडली द होल यूनिवर्स? क्या है ये मंडली? मैं बंबई में रहता था, और जहाँ से मैं 6-7 साल पहले वापस आ गया था, तो मैं वर्सोवा में रहता था, और जब season 1 हुआ यादों का एडिट बॉक्स का, तो मैंने सारी कहानियाँ खुद लिखी थी, और उसके बाद बहुत से यंग लोग अप्रोच करते थे कि हम आपको कहानी देना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं कहानी खरीदने के धंधे में तो नहीं हूँ, लेकिन आइए. तो फिर 1-2-3 ऐसे करके 4-5 लड़के लड़कियां आके घर पे आते थे और हम बैठते थे, और एक धीरे धीरे एक फॉर्म उसका उभरा. तो सामने कोई सब एक कहानी सुनाता था, फिर सब लोग उस पर फीडबैक देते थे, फिर मेरे पास एक रॉकिंग चेयर थी, अभी भी है, जो उस पर बैठ के आखिर में अपना एकदम चौधरी साहब की तरह कॉमेंट करता था. I have a fetish for new ideas. I have a fetish for scalable ideas. और मैं अक्सर सूंघ लेता हूँ जब कोई आइडिया भविष्य में बहुत बड़ा होने जा रहा होता है. तो मैंने कहा कि ये जो हम कर रहे हैं इसकी एक लंबी यात्रा लगती है. हम मंडे को मिलते थे, और मंडे को 11 बजे तो मैंने कहा कि इसको नाम दे देते हैं हम कुछ, तो उसका नाम रख दिया गया मंडे मंडली. और फिर हम कई दिन मिलने लगे तो वो मंडली बन गई, और फिर मंडली एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे भर्ती पाने के लिए हजारों लोग कहानियां भेजते हैं. और आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटिव प्राइजेस इन इंडिया टुडे टू बी पार्ट ऑफ आवर मंडली, एंड इट्स अ प्रिविलेज दैट आई एम सराउंडेड बाय सच अमेजिंग पीपल इन द मंडली. और उनमें से ज्यादातर कभी प्रोफेशनल राइटर नहीं थे, ये सबसे कमाल की बात है. बहुत से तो सिर्फ लिसनर थे जो एक दिन शर्माते हुए कहानी भेज दी, और वो कहानी फिर सेलेक्ट हो गई, फिर वो राइटर बन गए, और फिर वही करोड़ों लोग जो मुझे सुनते हैं वो उनको भी सुनने लगे, वो हाउस होल्ड नेम्स बन गए. तो ये है मंडली. बहुत कम समय बचा है नीलेश भाई, लेकिन आखिरी सवाल बहुत मुश्किल है किसी भी आर्टिस्ट को पूछना कि उसका बेस्ट वर्क क्या है, लेकिन लेट्स फोकस ऑन भूतकाल बिफोर वी रैप अप. डू यू हैव वन फेवरेट स्टोरी एज पार्ट ऑफ द भूतकाल सीरीज ऑन ऑडिबल? I do. एक कहानी है जिसका नाम है गुड़िया, और वो कहानी सचमुच रोंगटे खड़े कर देती है, और किस बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बट वो कहानी आपको देर तक सोचने पे मजबूर करेगी, और आप भी सुनिएगा, आपके दर्शक भी सुने हैं मुझे उम्मीद है. ऑडिबल सुनो ऐप पे भूतकाल, वो शो जो जिसने नरेट किया है वो खुद बहुत डरता है. इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नीलेश भाई ने कह दिया, अब जाके सुनो और मजे लो. थैंक यू.